यही आप लोग ने आज झंडा फहरा के जो गणतंत्र करने जो दिवस को आप लोग ने सब लोग मिलके जोर से नारा लगाएंगे आवाज दो आवाज दो। ये सरकार को हमेशा युवा से नफरत है, युवा विरोधी सरकार है। इन लोग ने वादा किया था साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया, 10 साल इनका जानलेवा नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स लेके आके 15 करोड़ नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया है। अभी राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार ने आप लोगों के लिए 5,000 लोगों के लिए नौकरी दिया था, जो आप लोग ने अच्छा काम किया करके सरकार भी कांग्रेस सरकार थे वो भी प्रशंसा किया, अभी जो बीजेपी है उनके कलेक्टर है सारे प्रशंसा किया आप लोग का काम को लेके। एक उनको दिक्कत है, राजीव गांधी जी के नाम पे इनको दिक्कत है, गांधी नाम से ये बीजेपी वाले को ना खाना खाते वो ना पछता है, इनको नींद आता है। ये लोग ने नाम चेंज करने में माहिर लोग है, सेल करने में, देश को सेल करना, नाम चेंज करने में माहिर है। शर्म आना चाहिए इन लोगों को, सरकार को। नरेंद्र मोदी जी तो बार बार आप राजस्थान आ रहे हैं, आप इन 5,000 युवा के बारे में आपका माध्यम है या आईपी का कोई भी होगा शायद लिख के भेज दो भाई। हाँ कमिश्नर, हाँ आप लोग लिख के भेज दो इन लोग ने किस तरीके से, यहाँ ये हमारा बहन है बेटा है भाई लोग बेटा है जो इन लोग ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग ने इनका पानी कट करना, बिजली बंद करना, परमिशन नहीं देना, इस तरीके के जो सरकार ने आप लोगों के साथ जो कर रहा है ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार के तरफ से कोई इनको कमिटी बना के वो लोग आके आपके बात सुने, जल्दी से जल्दी आप लोगों का वापस काम पे लेने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये छोड़ के आप ये युवा के साथ आप लोग ने टक्कर लेने का काम किया तो आने वाला लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप लोग सभी वर्ग सभी समाज, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, छोटे बिजनेस हो, युवा हो, सबके साथ अन्याय करने का काम किया है। जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आपके साथ लड़ने का काम करेंगे। मैं यहाँ अभिमन्यु पुनिया और साथ में जो वर्किंग प्रेसिडेंट सबको मैं यहाँ आप लोगों को सामने में बोल रहा हूँ, आने वाले दिन में सरकार आपका बात नहीं सुने, विधानसभा घेराव करना, इनका मंत्री लोगों को भी घेराव करने का काम हम लोग करेंगे आपके साथ मिलके। ये सरकार जल्दी से जल्दी, ये बहुत छोटा काम है, आप लोग इन लोगों को जब तक न्याय नहीं देगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेगा, आने वाले दिन में ये लोग सड़क पे कैसे उतरेगा हम भी वो देखेंगे। ये सरकार हमेशा इस तरीके से काम कर